नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एवरेस्ट पर दो विदेशी पर्वतारोहियों की मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी से गई जान। इसराइल ने लिया खूनी बदला, हमास के 11 कमांडरों को मौत के घाट उतारा। स्वदेशी ग्राहकों के शोषण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेलस्ट्रा को $39 मिलियन का जुर्माना लगाया। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया ऐलान, देश में रिकवरी रेट में तेजी से हो रहा सुधार। अरब सागर में बन रहा साल का पहला चक्रवाती तूफान, नाम होगा तोकते। लक्षद्वीप, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में दे सकता है पहले दस्तक। भारतीय सेना और पाकिस्तान के सेना के बीच हुआ मिठाइयों का आदान प्रदान, एलओसी पर मना ईद का त्योहार। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली, हरियाणा और यूपी को निर्देश, आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए हो कम्युनिटी किचन। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड के पूर्व सीएम की पीड़ा, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदमखोर हो गए हैं प्राइवेट अस्पताल। ऐसे अस्पतालों की जांच के लिए सदन से लेकर कोर्ट तक जनता की आवाज बनेंगे। झारखंड में एम्बुलेंस की जगह ठेले का सहारा, बच्चे को दर्द से तड़पता देख परिजन ठेले से ले गए उसे अस्पताल, घर वापस लौटते वक्त भी नहीं मिला एम्बुलेंस। कोरोना रोकने के लिए पलामू पुलिस हुई सख्त, मास्क लगाए बगैर सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस ने पकड़ा, साथ ही उठक बैठक भी लगवाई। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, वहीं शादी समारोह में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। पप्पू यादव की पत्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने 2 दिन में पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की, नहीं तो करेंगे अनशन। वहीं अस्पतालों का निरीक्षण जारी रहेगा। भागलपुर के डॉक्टर अजय सिंह सड़क पर उतरे, लोगों से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। आज इंग्लिश प्रीमियर लीग में 10:30 बजे आमने सामने होंगे एस्टन विला और एवर्टन। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का होगा मुकाबला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रमेश पवार को महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।